बोरीवली पश्चिम के बाभई नाका मनपा स्कूल में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम में बेस्ट समिति के अध्यक्ष मोहन मिडबावकर, वरिष्ठ समाजसेवी मनमोहन गुप्ता उपस्थित होकर छात्रों को पेड़ लगाने हेतु काफ़ी प्रेरित किया गया और पेड़ से क्या लाभ होता है इसकी जानकारी भी दी। मनमोहन गुप्ता ने स्कूली बच्चों के साथ पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। मेरा इन सबको बहुत हार्दिक शुभेच्छा है कि इतना बढ़िया राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सब मिलकर देश को हरा भरा बना सकते हैं। वृक्ष ही प्राण देते हैं, वृक्ष ही अन्न देते हैं, वृक्ष ही धन देते हैं, वृक्ष ही सुख और समृद्धि देते हैं। अगर हमारे देश में चारों तरफ हरियाली होगी तो पानी की कमी नहीं होगी, औषधि की कमी नहीं होगी, खाने पीने की कमी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। तो जो ये आज का दिन है, वृक्षारोपण का दिन मनाया जा रहा है, वो बहुत ही यशस्वी हो और आप पब्लिक, प्रेस और मीडिया और पॉलिटिक्स मिलकर इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तो भारत कृषि प्रधान देश है और इस भारत में अगर हम लोग छावनी के लिए, छाया के लिए, पानी के लिए तरसते हैं तो उससे दुर्देव की कोई बड़ी बात नहीं है। वृक्षारोपण का जो महत्व है, कुंभ में जो वृक्ष का महत्व है वो केवल मुंबई में नहीं, वो पूरे देश में वृक्षारोपण का महत्व है, विदेश में भी उसका महत्व है। अब मुंबई में पहले जैसा जंगल सीमेंट का जंगल था, अब सीमेंट के जंगल को हम ये वृक्ष का जो जंगल है उसमें परिवर्तित करना चाहते हैं। और आज पूरे महाराष्ट्र में हमारे जो माननीय वन मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री सुधीरबाबू मुनगंटीवार है, वो 1 करोड़ झाड़ लगाने का उन्होंने उद्देश्य रखा, 2 करोड़ झाड़ लगाने का उद्देश्य रखा है और आने वाले दिनों में वो 50 करोड़ तक झाड़ लगाने वाले हैं। तो ये झाड़ से ये सब अपना परिसर हरा भरा होगा। दिन में झाड़ ऑक्सीजन बाहर फेंकता है जो श्वास करता है, तो प्रदूषण रोकने के लिए और पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए ये वृक्ष का बहुत महत्व है। और वृक्ष जब हम देखते हैं, अभी मैं नेशनल पार्क से जाता हूँ तो आजू बाजू में पूरा हरा भरा देखते हैं तो मन अपना प्रसन्न होता है, तो वृक्ष से। इसके लिए दूसरा, गांव में भी अगर वृक्षारोपण करते हैं तो जो झाड़, जहाँ झाड़ है वहाँ अगर बाढ़ आती है तो उसका धूप कम होती है। महानगर पालिका में एक हमारा उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग ऐसा अगर कोई कंप्लेंट आए तो उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और जहाँ नई बिल्डिंग बनती है तो अगर बिल्डिंग के जो जगह है उसमें अगर झाड़ आते हैं वो तोड़ने की परमिशन दी जाती है। वो वृक्ष प्राधिकरण है मुंबई में, वृक्ष प्राधिकरण उनको परमिशन देते समय 1 झाड़ तोड़ेंगे तो 3 झाड़ लगाना चाहिए, इस तरह का कंडीशन उनको डालती है। और वो झाड़ लगाया नहीं लगाया, उसका संवर्धन किया, जतन किया, नहीं किया, उसके लिए भी उससे पैसा लेते, डिपॉजिट लेते। अगर उसने नहीं किया तो महानगर पालिका उसका संरक्षण करती है।